जितना धान जुटले आहा जे हमरा से बड़ो लगा सोवेट के हमें एक संगे जो हाथ आ रहे बड़ लगा यो आशीर्वाद करा गिरन मनुष्य रहे ना जे मन हो हाथ जे जे बड़ो लगा अपने से आशीर्वाद मांग रहे जे जे हमरा से आयु में बड़ो लगा हमें गिरन मनुष्य लगे बेसी दिन ना लगे बस पढ़ा लिखा लाए सही खाते सरकार के हिलाई के रखा है पानी के स्वाद और बोली के स्वाद जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ता है बदल जाता है तो हमें भगवान के इधर हजारी बाग लोगों से खातिर पूछ ली भाई बोल रहा है ना तो सबसे पहले आज इतना जो भारी संख्या में लोग जुटे आ रहे कि भाई की कारण लग रहे क्योंकि यहाँ मीडिया वाला सब भी आए हो और मीडिया वाला हमारा बराबर सवाल नहीं करा कि कौन आपको फंडिंग करता है कौन आपको पैसा मेंटेन करता है इतने लोग आपकी सभा में कैसे आते हैं मोदी की सभा में इतने लोग नहीं आते हैं तो हम बार बार पूछते हैं अरे तोहनी के यहाँ क्या फिर के ना डाकल हो पैसा ऐसा दे के ना डाकल हो खाना पीना मुर्गा दारू हाँ मैया मसिया तोहनी के विद्या तोहनी के नहीं ना लाल लाल लोटा तो मैं बोल के ना डाकल हो हमने तो बता दिया मीडिया वाले नहीं आते क्या 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 दिमाग तोड़ छोड़ा ही क्या कितने लोग आते हैं तो कहां से फंडिंग होता है तो सबसे पहले आज लगभग 2 साल लगभग 700-750 जनसभा हर जनसभा में उमड़ता हुआ जनसेना कुछ ना कुछ गवाही दे रहा है आज जो तोहनी है वही सला है आपके मन में सवाल आ रहा है कि भाई आज 23 साल के झारखंड में क्या दिक्कत है या फिर की समस्या है कि आज लोग इतना भारी संख्या में हमने के सुने ले आवा है बुझे ले आवा है जाने ले आवा है तो ये पहला बात समझे क्या कि देखा माय मासी सब तोहनी घर बेसी जोड़ देबो ताकि तोहनी की संख्या भी भारी मात्रा में हो एकनी की मोबाइल एकनी दुनिया घूरो एकनी के मालूम हो कि झारखंड में की देबो एकनी के मालूम हो स्थानीय नीति की लागू एकनी के मालूम हो निवेदन नीति की लागू लेकिन आज आधी आबादी के भी पूरा पूरा जानकारी रखते हैं तो स्थानीय नीति की लागू तो सही खातिर आज इतना चांस जुटे कारण की लगे 23 साल के झारखंड में गए आज समस्या किया है न सबसे बड़ा जो समस्या हो जे भी सरकार चुनल जाओ आज भारत एक लोकतांत्रिक देश है यानी यहाँ कोई कोई को तलवार और बंदूक से नहीं मार सका ले तो सबसे बड़ा हथियार लगो तो वोट हो ये 5 साल में अगर भटवा था ना तो भटवा तो सबसे बड़ा शक्तिशाली सबसे बड़का हथियार लगो लाठी डंडा और गोली बारूद जो कमवा नहीं कर तो वो काम करी वोट हो तो आज झारखंड में सबसे बड़ा समस्या की हो मैं झारखंड के जितना भी जल जमीन नगर हमी खनी संपदा हमी के साधन संसाधन हमी के नौकरी चाकरी ये सब की कर हो दू चार जो बाहर के आदमी में हावी भाई गए हो सरकार के अपन निशाना में नचा रहा हो हर सारा चीज बेच रहा अभी मान के चल माननीय मुख्यमंत्री देखिए वो भाषण दे रहा कि हम आपके लिए योजना लेके आए हैं कौन सा योजना लेके आए हैं न सोना सौरभ धोती साड़ी योजना मुख्यमंत्री बोल तो ये बहुत बड़ा योजना है जो लोग चुल पका है पुरुष है उनको धोती देंगे और महिलाओं को साड़ी देंगे
हमारे यूपी बिहार वालों को मास्टरी का वैकेंसी देंगे। अभी 2 महीने पहले अच्छा एक बात बताओ, हजारीबाग भले रांची राजधानी का हो, धनबाद कोयला राजधानी, कोडरमा अमराव राजधानी, लेकिन हजारीबाग शैक्षणिक राजधानी लगो, इस बात को याद रखो। ये सबसे ज्यादा कम फैसिलिटी में अगर रखन पाठन के कार्य स्टूडेंट नहीं कर रहा है तो हजारीबाग में कर रहा है। तो सभी के घर की बात अभी तो मान के चल जितना नोनी सब आगू आटे बैठ लो नौवा दसवा वाला आप टेक्निक जब इंटर करे जीता है तो बहुत सारा हजारीबाग पढ़े लिखे थे जीता ही ना। सोम के घर में धिया पिता सब पढ़े लिखा बोला अच्छा बताओ तोहनी अपन धिया पोतन के किस प्रकार से परवरिश कर रहा और किस प्रकार से अपने के पढ़े ले जा रहा। बहुत तकलीफ से खुद नहीं खाई के खुद नहीं पीन के अपना पीन रहा खुद 2 पैसा बचाई के ओकरा हॉस्टल में रहता कि नहीं, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट हजारीबाग में रहा है। आप बताओ कि स्टूडेंट यानी पढ़े वाले जिला सब से मैया में अपना रखिया से दूर करके बाहर कहा कर क्यों पढ़ता है, वो लिख रहा है, वो बढ़िया से वो डिग्री हासिल करता है, वो कंपटीशन से तैयारी करता है और जब घर वापस आता है वो छोटे मोटे बढ़िया नौकरी लेके जितना भी यहाँ अभिभावक सब अले हा मैया मसिया अभिभावक जितना भी हमें रहा दादा साहब अपन घर के गिदर पुत्र के यह सोच के ना पढ़ लगा रहा कि पढ़ पढ़ लिखता है अच्छा सा तालीम लेता है डिग्री लेता है कंपटीशन की तैयारी करता है जेएसएससी की तैयारी करता है जेपीएससी की तैयारी करता है सीजीएल की तैयारी करता है टेट की तैयारी करता है और जब घर वापस आता है तो छोटा सा नौकरी लेके आता है ताकि अपने परिवार सोचला। लेकिन की करो सरकार 2 महीना पहले मास्टर और मास्टरनी के बहाली आए लगे मास्टरनी पूरे आना जे स्कूलवा में मैडम पढ़ा हो दादी साहब तोहनियों के मन बनाओ कभी ना कि मास्टरनी बन पाए डॉक्टरनी बन पाए लेकिन तोहनी के मैया पापा में पढ़गा ना पा लो लेकिन आप तोहनी की इच्छा की हो कि हमें अपन गिरवा के पढ़ेगा और हमें जैसे अपना माए पता कर पा लिए अपनी पूरा कर यानी सभी बुझा कि मास्टर ने की लगे तो 2600 बहाली हुई। 2 महीना पहले जो टीचर के बहाली झारखंड सरकार नियुक्ति पत्र बांटो और 3600 हो रहा तो 3600 बुझा ना कोरी में बांट पाए तो नहीं एक कोरी बुझा ना एक कोरी माने 20 तो 3600 के जरिए 20 के भागा दे भाई तो शायद 180 हो ना माने 180 कोरी मास्टर बन लो यदि 24 जिला के 3600 से डिवाइड कर दबाए तो एक जिला के हिस्से में 150 हजारीबाग के साइड 200 प्लस है यानी हमारे यहाँ पर उतना प्रखंड भी है 16 है हजारीबाग में 16 तो मान के चले 160 को रखा है यानी एक प्रखंड के हिस्से में 10 सरकारी नौकरी हमें मास्टर के ईटा लागल चुरचू ना बता तो चुरचू में 10 मास्टर बनो 10 एक प्रखंड के हिस्सा में 10 सरकारी मास्टर है ना तो कि चुरचू के 10 को लोग मास्टर बन लो। अब तोर बटवा बेटी हजारीबाग में पढ़ो तोरा बोलो धोती साड़ी ले और यूपी बिहार वाले के मास्टर और मास्टरनी के नौकरी दे गलत हो कि ना हो मैं जीवन भर झारखंडी ऐसे लुटे देखे झारखंडी ऐसे पिसाई देखी हाँ राजधानी पूर्वज अलग कर ले यही टेकलाल बाबू के कर्म भूमि जयवीर महतो के रंग भूमि इतना अपना आंदोलनकारी बलिदान कर ले अभी 2 दर्जन से ज्यादा आंदोलनकारी नीचू बैठले अपने सोफिया में दुड़ हाथ कर रहे हैं इतना बलिदान के बाद झारखंड राज बन ले और हमी के हिस्से में धोती साड़ी और नौकरी यूपी बिहार के तो विरोध होना चाहिए कि हमी की लड़ाई गलत है कि हमी धोती साड़ी लेकर जो कोड़ी है यूपी बिहार बंगाल के विरोध करवाई की लड़ाई लड़ो इसी बात पर लड़ाई लड़ो।
कि बड़ा हवाए अच्छा से पढ़ाई लिखाई करवाए मेहनत करवाए देखो गवर्नमेंट के जॉब करवाए या फिर कुछ ऐसा ना काम धाम करवाए कि परिवार अच्छा से चलता है। लेकिन आज जिस प्रकार से अपनी गवर्नमेंट को तो सरकारी नौकरी ही ना है। हाल फिलहाल एक पेपर पढ़ ले हवा पेपर में लिख ले हलाय कि गांव में जो टेंडर था ना गांव में अरे चल सरकारी नौकरी सब नहीं लिए पाते गांव में जो टेंडर था वो ना टेंडर को जा ना अरे रोड बन लो तो टेंडर चाहिए ना ठेकेदार चाहिए ना वो यानी आप देख ले शहर में तो हजारीबाग में तो कोई कुछ भी टेंडर लिए नहीं पर भी लेकिन गांव में जे तो गांव लगो चली चुचू और आंगा में आर मांडू में उस गांव में भी जो ठेका लिए वाला हो यूपी बिहार के बड़े ठेकेदार बताओ किस प्रकार से झारखंड के लूटल जाए रहा लोग मास्टर के नौकरी बैठ में लोग अब गांव में जब टेंडर आ गए 2 लाख 2.5 लाख है वो 100 फीट के सड़क आ रहा है पेपर में रहे तो उसमें भी झारखंड का आदमी नागरी है यूपी बिहार बंगाल एमपी गांव में टेंडर डालता है और सारा टेंडर उन्होंने लेके जाता है तो झारखंड कहे बना लो एक बात बताओ झारखंड की खातिर बंगल आए आज इस भीड़ में हर किसी के सवाल का उत्तर देख चाहे कि झारखंड की लेने वाले आज ये सिक्स लाइन फिर से डायर हो ना सिक्स लाइन एट लाइन आज अपने मुआवजा भी ढंग के नहीं मिलो चूंकि इधर सेंट्रल चीज लगो तो आज यहाँ के सांसद लगे और भाई को बना है कि दिल्ली में जाए किस बात पे लाता है कि जहाँ सड़क जा रहा है एक विस्थापित का तरीका बनाइए बेहतरीन तरीके से विस्थापित कीजिए उचित मुआवजा दीजिए फिर कोई काम कीजिए। लेकिन झारखंड यहाँ बोले वाला क्यों है यहाँ बात रखे वाला क्यों ना आज हमारे माए समान जमीन कभी कोयला के खदान में कभी रोंगटा जैसा फैक्ट्री में तो कभी 4 लाइन 8 लाइन सड़क में तो कहीं एनटीपीसी में तो कहीं गोदलपुरा में अडानी पावर प्लांट में हमने माए समान जमीन में लूटल जाए रहा हमारे सांसद विधायक तमाशा देखो तो भाई 2024 में अपनी सर्वनाश होना चाहिए। अब एक बात बताओ ये जो सड़क पार भाई गले बहुत जगह सुने में आए कि 3000 डिसमिल नहीं रहा 3000 डिसमिल हो जा यानी 1 एकड़ में 100 डिसमिल है यानी 3000 में अगर 100 से गुणा करवाए तो शायद 3 लाख बचे 3 लाख बचे ना यानी 1 एकड़ के दाम मात्र 3 लाख समझ के दे 1 एकड़ जमीन मात्र 3 लाख आप बता उस 3 लाख में कोई अपन बाप दादा के 1 एकड़ जमीन बर्बाद किया तेरे कोई सड़क बने में आपने मार्केट हजारीबाग या रामगढ़ के लिए जमीन खरीद ले कतरा मिल को 3 लाख एक डिसमिल नसीब ना रहे तो यानी जो पंडलवा ही कहो ना पंडलवा इतने में डिसमिल हवा है ना एक दस अतरी जैसी मैंने लमसम यानी जो बाप के जमीन 1 एकड़ मतलब ही ग्रांडवा 1 एकड़ यानी ग्रांडवा जितना बड़ा ही ग्राउंड हो इधर मोटा मोटी 1 एकड़ में हो यानी इतना जमीन पर बर्बाद भाई गया थोड़ा 3 लाख मिल लो और बदले में जो वापस जमीन लिए गए उस 3 लाख में आधे वो चबूतरवा इतना मिल लो ये अन्याय हो कि ना हो तो और जमीन कितना गया कि ग्राउंड कितना मिला जितना में ग्राउंड हो उतना में तुम मात्र 3 लाख ले लो उस 3 लाख के लेके तो मार्केट के लिए और मार्केट में जमीन खोज ले मात्र तुम्हारा स्टेजवा जितना बोल ले हो इतने जमीन नसीब है लो बताइए अन्याय है कि ना यह लड़ाई है आज यह भगवान जाने को अपन अधिकार जाने को अपन खेत बलिहान जाने को और नहीं तो आने वाला दिन सब खत्म हो गई तो हमने मोबाइल में रील्स बनाते रहे जी में प्रिंटर लगे गलत राय होगी हम बार बार बोले तो रहिए ये है कि यह के लड़े आपको कलम से लड़ कागज से लड़ ढेका से लड़ पत्थर से लड़ छुरा से लड़ टंगला से लड़ या फतवा से लड़ यह है कि यह के लड़े आपको क्योंकि अगर बात मतलब पीढ़ी के मालूम में ना हो कि खेत खलियान की हो तो मोबाइल स्क्रोल करे में बिजी हो यदि मजाक ना हो तो मोबाइल छीन लियो मुझे तो हार्ट अटैक भाई गए यदि मजाक लागो तो मोबाइल छीन लियो मुझे तो हार्ट अटैक भाई गए शेख अगर यह प्रिया के लड़े कहा कि प्रिया के जानकारी भाई दूसरा बात अभी अभिभावक सब जिंदा
एक ही रास्ता बताते हैं, लेकिन लड़ाई यह पीड़ा के लड़े हैं। खेत बचाई के, नौकरी बचाई के, भाषा बचाई के, संस्कृति बचाई के, जे भी हो झारखंड के बचाई के लड़ाई यह पीड़ा के लड़े हैं। तो तैयार है ना, तैयार है। तो जितना भी खासकर दादा साहब अगर जेनरली लड़ाई के लड़े चाह तो सबसे पहले हमने के आपन अंदर बहुत सारा बुराई हो, हमने में बहुत सारा दोष हो, आपन अंदर के दोष की क्लियर कर रहे हो। आज हमारी बात आ रही है चारी बाग एमपी चुनी एमपी के चुनाव पहले होता है। बताओ यशवंत सिन्हा एमपी रह लो, जयंत सिन्हा एमपी रह लो, आप हमारे अपने पत्रातों में बोला लो की जय कर हम नहीं कर ले हमारे बैठवे कर तो ठिकाने रखा लगना। जयंत सिन्हा पत्रातों के ले रहो और वहां भाषण दे ले रहो कि जय हम नहीं करे पा लियो तो हमारे बैठवे कर तो ठीका लेकर रख लगे। बापा बोले जेंदुआ बोले बिटवा बोलते तो नहीं की करवा आते फोर लाइन में एक लाइन में सड़क में जमीन ले रहा लो कि अगर हिम्मत ना करे एक दिन सदन में सवाल करता है कि आप जमीन का उधार क्यों लगा रहे हैं। बताए नहीं सवाल है कि वापस सब वही आपकी जमीन खरीदने जाएगा, तीन लाख में एक भी लक्ष्य नहीं होगा, आप एक एकड़ जमीन 3 लाख का रेट कैसे लगा। कि बाप बेटा बेटा का से नाती ख्वाब वाला हो इतना दूर करेगा। और यदि तुमने चाह कि हजारीबाग से जयंत सिन्हा के बाहर करना हो चाह ना, तो सबसे पहले जितना भी दादा सब है गुटका खाले छोड़ रहा था अभी अभी दीदी सर के तो बातें नहीं कर लियो। अब तो होनी कभी कि अचानक इतना सीरियस बात करते करते गुटका के बात कहने लगे। अच्छा एक बात बताओ, अरे चुनाव लड़वाई तो खर्चा है क्या है, खर्चा है ठीक है, हम भी चंदा ना देवे हम भी बहुत कुछ पैसा ना देवे, लेकिन प्रचार करवाई की नहीं, सभा करवाई की नहीं, गड़िया में पेट्रोल भरवाई की नहीं, लिफाफा लेटर छपता की नहीं, बैनर छपता की नहीं। तो तोहनी अगर गुटका पता हो, अच्छा हजारीबाग लोकसभा में वोटर करना है बताओ, ये समझ रहे 16 लाख 16 लाख 15 लाख यानी हमारा बोले 18 लाख भरी थे नया 16 लाख 16 लाख 16 लाख 16 लाख 16 लाख 16 लाख नहीं नहीं होते 16 लाख वोटर वोटर में मर्दाना दीदी सब आठ अपने के छोड़ दे अपने बात कभी नहीं करें 8 लाख वोटर खाली पुरुष के जेंट्स के अब मान के चल ये देख लेना आधा से ज्यादा तो है ना सभी खत्म हो गए पता चल गई तो 8 लाख में 4 लाख चलिए 4 लाख ब्याज से 4 लाख ईमानदार आदमी पैसे गुटका दारू नहीं करे सिगरेट नहीं करे यानी 4 लाख आदमी सिगरेट गुटका तो नहीं खा है। आप देख ले एक आदमी दिन में अगर 2 गो गुटका खा है एक आदमी दिन में 2 गो तो 4 लाख के 2 से गुना कर दी 8 लाख 8 लाख भाई लेगा 8 लाख के 10 लाख गुटका के दाम 5 रुपया अब 8 लाख के फिर 500 गुना कर दी 40 लाख 40 लाख भाई को लेना। अरे भाई तो एक दिन के खर्चा है एक दिन के 1825 दिन है वो है 5 साल में आप गुना कर 1825 दिन है वो है चल चलिए 1825 गुना करे में तनिक कनी फ्यूज में होएगा राउंड फिगर में बदल दे यानी 1800 दे दे ये गुना करे पढ़ लिख लगे मजाक है कि पढ़ लिख लगे ये गुना करे 1800 गुना 40 लाख 40 लाख में जितना जीरो है सबको साइड कर दे 4 से 18 का गुना करे 18 में 2 को जीरो हम लोग अपना साइड कर दे 18 4 18 2 36 और 36 2 72 और 100 जीरो से लाए थे 7 करोड़ 7 करोड़ 20 लाख कोई गलत बुलाना ना करिए ना 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 करिए तो मिस्टेक नहीं है भला 7 करोड़ 20 मजाक ना एक मामूली गलती हमें 7 करोड़ 20 लाख में खाली मुहमा लाल कर दे एक बार दिखा से भाई पैसा चुपरी भाई के ना 24 में जया जेना के बाप बाप गए थे अभी जेल में गुटका के खर्चा इसी के बाद छोड़िए दे लियो मेरा डबले दे पचल पचल चुनते हैं
तरफ जाना चाहे पच्चीस दिन तो गुना कर लेना कि उधर तो राउंड सर्किल करे खाते तो यार लियो यानी इतना पैसा बर्बाद करो ये खाली करता ना सा काका जेठा मोसा मामा फूफा सा तो हनी को हिसाब ही नहीं करे दीदी सबके बोधी सबके मामी सबके काकी सबके मौसी सबके बुबू सबके दादी सबके नानी सबके हिसाब ही नहीं करे जब धोनी इतना विश्वास इतना प्यार करवा अपन पैसा लगाए के यहाँ पे सोने आए हा तो हम भी धोनी का अधिकार रहे हो एमपी रहे चाहे बाकी सब करवा मोचे से कला धोनी का अधिकार है अब बताओ यहाँ कितना बड़ा सड़क बन पाए कितना सारा जमीन मिल पाए यहाँ बहुत सारा फैक्ट्री कोयला के कारखाना चूंकि हजारीबाग क्षेत्र में हमारा बुझाए डीएमटी भी है वहाँ विकास का कितना डीएमटी है हजारीबाग में यहाँ 6 करोड़ डीएमटी है थोड़ी रहा 600-700 बोला 6 करोड़ डीएमटी रहा है हम ही तो हजार तो हजार 600 करोड़ राउंड में ले 600 करोड़ एक बहुत बड़ा राशि है वो है लेकिन चूंकि जब है आज सही बात है झारखंड में अगर सबसे ज्यादा कोई आतंक है तो कोई क्रिमिनल के आतंक न पाए कोई आतंकवादी के आतंक न पाए कोई नक्सली का आतंक न पाए जितना ब्यूरोक्रेट के आतंक बात कोई झारखंड में समय सुना कि लोग नक्सलियों ने हमला किया अब सब कंट्रोल है उग्रवादी कंट्रोल है चोर कंट्रोल है डाकू लुटेरा सब कंट्रोल है सबसे ज्यादा लोग आईएएस आईपीएस के डाले खुला बन सके यार नक्सली रहा है आज बारह अकेले जाए लेकिन सबसे ज्यादा डर हो आईएएस आईपीएस के झारखंड में करो आज बहुत सारा साथी को बोलो जाओ वहां जबरन जमीन मांग रहा है पूरा आईएएस आईपीएस के पूरा सपोर्ट है कंपनी के आप बताओ आईएएस आईपीएस आउट ऑफ कंट्रोल का है बताओ कौन पॉलिटिशियन के रही है पॉलिटिशियन से आई लगा होने के ए मेरी सब कहां जा लग रहा सांझ के टाइम होगी खाना दुनिया के छोड़ के चला ना अच्छा सुना ना तोनी के हिने हमने खाना खेले नहीं चलते की आए तोनी के होटल में किया हुआ रामनी भाव से कहा होता है कि रामनी के भाव है यानी जब रामनी अपना भाव बनाएंगे तो सबके बैंक की खिया लोग पहले तो आज मैं उल्टा कर रहा हूं धोनी को पहले के बैठा बैठा हमने उसे माना या लेट भाई गए हमने माना या लेट भाई गए बैठा दादी कहां से गए वो दीदी बैठा भूखा नहीं ले भूखा नहीं ले हम यसो नहीं लगे भूखा पकड़ ले ओपन कैमरा कैसे हाँ बढ़िया
तो आज जब तक एक बेहतर पॉलिटिशियन के चुनाव ना दे, तो चूंकि हमनी के पॉलिटिशियन के नियम ना, तो चलता से चुन के जाए ओग्नी के बड़ा बड़ा कंपनी ओग्नी के बड़ा बड़ा कंपनी फाइनेंसर हो आले फिलहाल देख ले आले हमनी रोकता के लाइक के हमनी के बाहर माइंड सब सब पैदल यात्रा करके गए आज तेरे को फोटो में दिखाई है माननीय बीडी के सांसद ओकर घर पर बैठवा के मिठाई खिला दो देख ले ना तूने और है रोकता के खिलाफ जनता सड़क पे है मैया मसीहा हम पैदल गए कहां ना राजभवन 60 किलोमीटर और बीडी के सांसद मिठाई खाए रहो और बर्थडे में आए ना सांसद बहुत हम ने लिए छठी में पसीना हम जब तक इस सिस्टम के नए बदल रहा आने वाला पीढ़ी हमें यह पूछ रहा वास्तव आप यदि पॉलिटिशियन मजबूत राजनीति मजबूत तो सब मजबूत है तो कहीं ढाल अपने राजनीति से संचालित हो इसलिए आज जितना भी नौजवान जितना भी मैया मोची कर गया जितना भी आई लेहा सबसे हाँ जो विनती रहता है कि 2024 के सरकार के रिपोर्ट है कि जितना जल्दी हो सके जितना ज्यादा हो सके झारखंड में जो मिनरल्स है उसको निकालिए यह कहा जाता सड़क बनो जिंदाबाद अच्छा कभी कभी आपने थोड़ा सा आइडिया लगाया थोड़ा सा आइडिया आपने लगाया कि इतना सड़क का है भाई जितना आदमी है उतना सड़क का है क्या उस सड़क पे आपने हीरोइन डाले ये सड़क सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए बन रहा है कॉर्पोरेट यानी उद्योगपति उद्योगपति यानी अरबपति क्यों बन रहा है जितना मिनरल्स है सबको भर के लोड कीजिए और सड़क में दौड़ा के झारखंड से बाहर कीजिए ये कड़वी सच्चाई होता है जय झारखंड ये कड़वी सच्चाई है अच्छा एक बात बताइए ये जो नया सड़क आया है ये करने से करने की तारीख बनारस से कलकत्ता की हवड़ा की तय ना हुए जे लेना अरे भाई कौन है जी बनारस से कलकत्ता हजारीबाग चोरी चौपारण बरही बरबट्टा बगोदर कुमरी तोपचा जी राजगंज बरबट्टा होते हुए निर्जा होते सड़क है कि नहीं कौन है जी इसी राज में बनारस से कलकत्ता बनारस से बर्धमान बनारस से हावड़ा रोड है कि नहीं है ना नया रोड पकड़ पाते हेलो नया रोड अरबपतियों के लिए कि जितना मिनरल्स है जितना जल्दी है यहाँ से तोड़िए और जल्दी बाहर कीजिए 2030 तक 2040 तक झारखंड को खंडर बनाने का प्लान ऑलरेडी सड़क है अच्छा एक बात बताओ जब ऑलरेडी हमारे यहाँ कपड़ा है ये है महिलाएं ना है फटले ना खाए तो नया कपड़ा ले तो ऑलरेडी बनारस से कलकत्ता सड़क है जगह नाम नेशनल हाईवे 19 है तो नया सड़क है कौन सवाल करेगा ये सवाल किसका है ये सवाल एमपी का है ये सवाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है कहाँ हमने कहा है मोदी से आग से आग मिला के करने का ये सवाल दिल्ली का है ये सवाल हजारीबाग के सांसद माननीय जय गन्ना गिरिडीह के सांसद माननीय सीपी चौधरी रांची के सांसद माननीय संजय सेठ का है इन्हें लोकसभा में रखना चाहिए कि झारखंड का लूटने की साजिश क्यों हो हाँ इस बात को आपको जानना होगा यदि आप नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा गुलगुलिया देखिए है ना बंजारा देखे है ना जैसा भी इंसान है लेकिन एक दिन का जमीन नहीं है उसके पास
आज मांडू में हो, काल चुरचू चल गए, परसों टाटी झरिया चल गए, बेचारा मांग ले छांद ले खेलो ना, तो की अगर घर द्वार है कि ना है, ना है, और अभी घर द्वार ना है, पर एक समय अगर घर द्वार रहा है, लेकिन आज हमारे पास एक जितना जमीन ना है, आज हमारे पास एक जितना जमीन ना है, क्या है ना पर एमपी एमएलए सपोर्ट ना कर ले, जब भूमि अधिग्रहण के कानून मन ले, जब कोई योजना आए, कोई खनन, कोई फैक्ट्री या फिर कोई भी योजना जब आए, तो अपना विस्थापित कर दल गए, आज वो दर बदर हो गए। तो हमने की चाहे कि हमने के आवे वाला पीढ़ी वह गुलगुलिया नियर, वह बंजारा के नियर दर बदर भटक तो की, कि हम ये सब चाहे ना चाहे तो आज लड़ाई लड़े। हम बार बार बोल लिए ये लड़ाई हम इनके रखो, ये लड़ाई वो छोर बन के हो जगह करवा के लेके आ गए, ये जेंडर सबके लड़ाई हो कि अपनी बहुत भाई जी तो की दरने की दरने हमने क्या। आज एक बात बताओ, यहाँ जितना जान है तोहड़ी के जो बप्पा दादा हलो की दलो घर बार दलो जमीनिया तो हटे दलो ना हटे दलो ना दादी ससैया तो की दलो भले जिंदगी भर समझ से झगड़ा बल्ला मुंह फुलाएंगे लेकिन मरते मरते बोलो आएंगे एक एक तो उसो बोलो ना और बनवा के तरह बोलो वो जो ठकवा है ना बकर का धूप धूप खजला बकरवा बेची थी यानी तोरा चबिलवा दो घरवा दो या कर अलावा कुछ नहीं दो पैसा तो भजवा में खत्म रहे पैसा यदि बुढ़िया में पेंशनवा रख ले हलो वो तो अगर भजवा में खत्म रह गए यानी तोरा की मिल लो मुड़िया के गोबर के खजला हे इधर मजाक के बात में खाए अरे आज ना हीरो हंडा मार्बल टाइल्स के धार जितना बड़ा गोबर के दिन देखा होगा उतना जल्दी बिहार से आने वाला है गोबर के दिन है यानी गाय गोरु है कड़म है सर और गाय गोरु कड़म है सर धान चार भेला है वो पचास मिल आप ओह समय हम नहीं कहेंगे कि भाई हम ही अपन आने वाला पीढ़ी के नतिया के नतिनिया के छह नाती के छह नतनिया के की दिल जमीन सरकार दिल्ली वाला छीन रहा है मोदी नौकरी हमाम छीन रहा है बाँचनों की ठिकानी भी ना है जितना कोयला के खदान मुरपा मुकुचू में तो जाके घाटों में रामगढ़ में तो जाके हर जगह कोयला के खदान तो आदमी अब तक ना रही है बताओ पीएनडीपीसी मुआवज आम्रपाली इतना क्या कोयला के खदान बताओ तो आदमी कब ना नौकरी आज भाई सुने नहीं लाए कि यहाँ सीओ सीओ प्रोफेसर है कभी के लोग अधाला कौन सी के लोग वोटेशन के वोटेशन के रसीद क्यों देखे तो सुन ले सीओ लावे चाहे सीओ लावे ऑफर बापा के जमीन वाला है लावे एक बात याद रखते हैं ईमानदार है सम्मान करते हैं ईमानदार है आदर करते हैं चोर है तो उसको नमस्कार करेंगे क्या हम तो बोलिए नहीं जितना तांडव सरकारी नौकर सबके हो उतना झारखंड में नक्सली के तांडव ना हो एक खुले मंच में बोले बेहद तांडव के रोकना हो एक बात याद रख दिया यहाँ पांच क्यों ना आए भाई
क्यों जिंदा रहते की हाँ क्यों यहाँ जिंदा रहते की हाँ इस सूरजवा मरते हैं देव दे इस चंद्रवा अपने मरता है इस पृथ्वी अपने खत्म करता है यहाँ जिंदा रह ले क्यों ना लाए जब जा रहे तो अपना अपने भाषा में उत्तर दे चाहे जय भी रहे जय भी रहे आई हम आप लोग हो अरे सीओ अपन दुनिया में कुछ लिख लिया अपने लाइक देखियो यहाँ पे जरी बड़ा पाप वाले हैं तो उसको देखिए यहाँ कुछ लिख लिया पाओ लिख लिया पाओ की लिख लिया पाओ बड़ा पाप लिख लिया तो जेपीएस हाँ आज सीओ लिख लिया तो जेएएस झारखंड पुलिस सर्विस और झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो सर्विस के माने की रहो अरे सेवा करने वाला के कहल जाए ना सर्विस ओपरे ना सेवा कर कोयला चोपिंग के बालू चोपिंग के दुनिया में की सेवा कर रही हो लिखा लो ना झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सर्विस ना लिखा है ना लिखा लो ना लिखा लो लिख दे तो सेवा कर जनता के यानी माले जनता व्यवहार ये बंदियां जनता भूल गई वास्तव में जनता कमजोर है कहे न जनता के मतलब न को जनता के अधिकार से मतलब न को जनता के नियम कानून से मतलब न को जनता के मेरा डूब गया एक ही गिलास चाहिए तो एक ही गिलास चाहिए यार कम से कम हजार दो हजार लीटर के डिमांड करता लेता हूँ ना तो एक ही गिलास चाहिए सीओ वीडियो भी जानो कि झारखंड के कंडीशन इसलिए आज एक बात याद रख ले ये जमीन तोर लगो पर बाप दादा इस जमीन के जोतले हो खोड़ले हो हिफाजत कर ले हो माटी काट ले हो इस जमीन तोर लगो तोरा बचाना हम कोई मसीहा ना है एक बात हमेशा याद रख ले यदि जमीन किस प्रकार से बना लो कुछ याद हो बेटा